तो हमारे साथ में है पूनम कंडेला जी। पूनम जी ये बताओ, किसानों के साथ भी रात को और खिलाड़ियों के साथ भी रात को ऐसा क्यों हो रहा है? इन्हें सिर्फ ये कहा करनी भी दन में तो कुछ नहीं कर सकते नहीं, रात ने ये नू पता भी अड़े थोड़े पब्लिक कम हो जाए इसकी वजह से इन्हें थोड़ा दाबा बोला। और हम तो सीधी चेतावनी भी देना चाहवा सरकार तय पुलिस वाले तय जो करता नाज मारी बाण बेटिया पर लठ बरसाया नहीं, तारा घर भी बाण बेटी है तो हम उनको अगर कोई लठ बरसाओगा तो हमने क्या महसूस होगा? कहीं ना कहीं सरकार एक बात कह रही है कि हमारी जो बेटियां हैं महिलाएं हैं वो रात को सारी रात भी घूम सकती हैं, तो उनके लिए हम पूरे आगे से कदम उठा रहे हैं फिर हमारी बेटियों के साथ। ये कुछ को नहीं है तो सिर्फ भाषणबाजी है, इनकी फोटो खिंचवाने में एक दो बेटियां ने सड़क पे खिलाया अंडा दे गए नू कर दे और कुछ भी नहीं। जब बाण बेटी सुरक्षित हो तो जब हमारी बहन बेटी अड़े हमारे भाई हमारे चाचे तौवा के बीच में लठ बरसा दे पुलिस वाले तो कड़े सुरक्षित है, और ये पुलिस वाला का भी जमीर मर रहा है। मैं कहूँ तो हम नौ सौ रुपया में दिहाड़ी करोगे क्योंकि तुम भी सरकारी को नहीं, तुम भी होमगार्ड की 28,000 रुपया में नौकरी करते दिखा दो। केजरीवाल जो दिल्ली के दावे करते हैं तो क्या भाई केजरीवाल की चलती है कोनी, इसकी तो सेंटर तक चल रहा भाई, तो भाई समर्थन कर गया था उधर नोवेला में किसानों के, मैं खिलाड़ियों किसानों के साथ हूँ, उसकी चलती तो कोनी उसके बेचारे के भाई आदमी जेड़ा में पड़े वो क्या कर लगा। लेकिन समर्थन में एक भी दिन तो मिलने नहीं आया, मिलने तो चाहिए था। नहीं केजरीवाल जी को यहाँ पे पहुंचे थे भाई, सारे पहुंचे थे। आज का जो मुद्दा आप लेकर आए हो उस मुद्दे का क्या निर्णय होने जा रहा है? देखो हम ये सब अपनी खा पंचायतों से भी पूरा समर्थन और जितना भी उसके कोई कड़ा फैसला लियो भाई, तीसरा दिन ये रोड पे बेटिया ने बिठाया कौन जानता, कोई कड़ा फैसला लियो ताकि हमारी बेटी हमारी जो हमारी आन बान सियान है भाई उनकी इज्जत को बचाया जा सके। मोदी और अमित शाह बोल देंगे तो हम इस्तीफा दे देंगे भाई। मैं क्या कहूँ, वो उनका एक गुर्गा है, गुर्गा अमित शाह गुंडा है और वो उसका निचली कुर्सी है वो भाई, वे गुंडे है, मैंने सोचा भाई ब्रजभूषण हटा दिया तो भाई अमित शाह की पोल खुल जाएगी, जो कर सत्यपाल ने मोदी की खोल दी भाई, ये इनकी पोल है, एक षड्यंत्र है इनका, और ये गुर्गे है गुंडे पूरे गुंडे। मैं तो सीधी कहूँ भाई, ना तो मैंने ईडी का और ना भाई सीबीआई का छापा भाई, ना मेरा इतना दम दौलत भाई मेरा छापे लग जाएंगे। हाँ और भाई उन डर हो गया जो भी कि मैं ले रहे हो रुपये भाई आड़ा कुछ भी को नहीं, और मैं तो सीधी चेतावनी देना चाहूँ अमित शाह, तो एक चेतावनी देना चाहूँ अगर तेरी कुर्सी आएगी भाई, ब्रजभूषण ने एक बात कही थी बीजेपी है तो ब्रजभूषण है वही बात होगी, ब्रजभूषण दो रही गुप्ता भाई का कर कांड की कठपुतली है ये एक चीज, और भाई मैं तो कहूँ ब्रजभूषण ने या तो माफी मांग ले या तो कहानी खत्म हो चुकी है। जिस तरह से किसान आंदोलन एक साल डेढ़ साल चला था तो क्या ये लंबा चलेगा और कितना पेशेंस है आप लोगों के भाई? पेशेंस तो भाई मामले मेरा खिलाड़ी एक अनुशासनशील होया करे, और मार मास खुद नु देख ले भाई लाखों की तादाद में यहाँ पे किसान संगठन खा पंचायत सारे यहाँ पे पहुंचे हैं, और मारा तय दिल तक शुक्र गुजार हम तो ये चाहे कोई करड़ा फैसला लिया जाए भी रोज ही इनके बारे में बैठा कौन चाहूंगा। तो ये खिलाड़ी जंतर मंत्र पे है तो खेल के मैदान में ग्राउंड में कौन होगा इनकी जगह? वो तो भी देखो अकेले लड़ना पड़ेगा, ये अपने खुद के लिए भी लड़ी है, और जो हमारी छोटी छोटी बहन है जो 8-8, 9-9 साल की, क्योंकि वो भी अपने मैदान में खेलने लग रही है, उन्हें ये पता है भी आने वाली बेटियों के लिए साथ भी शोषण हो सकता है, वे खुद को बचाने के लिए और अपने समाज को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। और मैं तो ये चाह रही हूँ अपने समाज को भी, अगर पूरा समाज से भी आज अपनी पूरा विश्व भी इस चीज ने थोपता होगा, जब अपने भारत के भारत की बेटियों ने नहीं बचा सकते तो अपने समाज खातर क्या कर सका, या पूरे समाज की लड़ाई है पूरे भारत की लड़ाई है। मैम जिस तरह से बात कर रही है लेकिन नरेंद्र मोदी तो रैली में ये कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मैं क्या कहूँ भाई वो सिर्फ पोस्टरों में है, आज तक नहीं बेटी सड़का पे इतना आज तक देखी थी कि बेटी कोई सड़का पे बैठी, हमने 1.5 साल हो गया सिर्फ सड़का पे धक्के खाए, व्यापारी कर्मचारी मजदूर किसान और आज हमारी प्लेयर खिलाड़ी और पटवारी हर सड़क पे बिठा दिया इसने, हर मजदूर वर्ग भी बता कौन सी बेटी सुरक्षित कौन सी बेटी पढ़े, मैं सीटेट क्वालिफाई मैं स्टेट क्वालिफाई मैं सड़का पांडे लगी, जो हमारे बड़े बड़े भाई खिलाड़ी है इनका सड़का पे बैठने का नहीं ग्राउंड में खेलने का टाइम था, ये अपने समाज खातर लड़न लग रही है। ब्रजभूषण ने तो कहा है कि ये सिर्फ एक गढ़ की लड़ाई है, जो यहाँ धरने पे बैठे हैं वो सिर्फ उसने सारा सौदा अपने दामाद बटेऊ बेटे सारे सौदा उसमें भी फेब्रुअरी उसमें लड़ाई रखा भाई, उसका सारा सौदा होगा कि हमारा कुछ भी नहीं, या तो भाई उनकी अपनी अपनी बही रापे लिखनिया वो कुछ भी कहो तो उसकी सारी बात, अरे माम कुछ बोला तो हमारा कोई भी नहीं। जिस तरह से कंगना रावत हर बात पे मुद्दे उछालती है कि लड़कियों का साथ देती, तो क्या अभी तक कंगना रावत को ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली? वह तो निरी बकवासबाजी करूँ ना, तो सिर्फ भाई वे व्यू लेने का मतलब उसमें कोई मतलब नहीं, बस सारे ये तो षड्यंत्र है। आज तक भी कोई चलो एक आता बढ़िया प्लेयर बोले एक आता भी चलो अभिनेत्री वगैरह बोले, लेकिन आज तक भी कोई ऐसा नहीं, और मैं हरियाणा के एक आता ये बैठे ये गाने गुणे गावा ये कहते आज तक ये बोले को नहीं, एक दो भाई चलो जो उड़ा पाई ने हमारा समर्थन किया, आज तक इसे कोई प्लेयर नहीं है कोई खिलाड़ी ने हमारा समर्थन नहीं किया भाई, मैंने कहूँ तारा घर अभी बाण बेटी हमारी बाण बेटिया की इज्जत करो और हमारा समर्थन करो। लेकिन आपकी बहन ही साथ नहीं दे रही है ओलंपिक की, कौन सी कौन दें दी भाई
पीटी वह बीजेपी के उनका भाई इतने इतने रुपये घर जा रोज जिनका घर भाई रुपये जाओगे वे क्यों बोलेंगे तेरा घर भाई इतने इतने रुपये जान लगे। पीटी उषा जी कहीं ना कहीं समर्थन देने के लिए यहाँ पर आई थी, उसके बावजूद किसी भी मीडिया के आगे वो बोलने से मना कर दिया। एक बात आओ, शुरू में हमने गाली दे और फिर वह समर्थन किस बात का समर्थन है? वो सिर्फ बीजेपी के, वो सिर्फ इस आंदोलन नरी समारोह धरना ने पाड़न के लिए आई थी और कोई इसका नहीं। और वो हमारे जितने भी भाई थे यहाँ पर, हमारी मातृशक्ति थी, सबने उसको बचा दिया। सबसे बड़ी बात है उसने खुद यह देख ली भी यहाँ पर कोई उसकी दाल गलने वाली नहीं है। तो सरकार से क्या चाहते हैं? अरेस्ट तो अरेस्ट के फांसी की सजा ऐसा कमेंट पर जिसमें 40 केस है, आज 41वां केस हो गया। मारा बरगा कोई समाज का एक आदमी भी किसी की बाण बेटिया गले यो काम कर देना नहीं, उसने जदे फांसी की सजा और जेल में होता राज। वो आम आदमी एक जो मारा आम आदमी तो जबे जेल, और इस इन भर के जो आज एसी में बैठे मारी बहन सड़क पर बैठी है, सबसे बड़ी घिनौना कि समाज में क्यों हुआ था। जिस तरह से अक्षय कुमार हर बात पे ट्वीट कर देते हैं और अभी तक कोई ट्वीट नहीं आया खिलाड़ी। एक बात आओ भाई, इनका ईडी के छापे मरवा देगा, सीबीआई के छाई ना, तो भाई इन छापे तो डर लग गया अपने पर। कहने क्या क्या है तो डर को नहीं, सिर्फ आप समाज की लड़ाई लड़ा और उस लड़ाई में अपने सब एक है भाई। और जिस तरह से स्पोर्ट्स के सचिन तेंदुलकर हुआ या और सब जितने स्पोर्ट्स के लोगों से सचिन तेंदुलकर बीजेपी का व्यक्ति है, बिल्कुल मैं इसको फुल अप्रोच। देखो जो बीजेपी के आदमी है वो तो बोलने नहीं गए क्योंकि उन्हें नहीं पता है भी तारा गला कुछ भी हो सका है। और जो भाई जो आम नागरिक है वो खुल का बोल अगर अपने समाज खतरा में ऐसा बोलता रहो। लेकिन आम नागरिक अगर बोल रहा है, अगर विपक्ष पार्टी का कोई भी नेता बोल रहा है तो उसे ये बोला जा रहा है कि राजनीति की जा रही है। भाई राजनीति करनी है तो राजनीति करने वाले पता कहाँ होते? अपना देहात में जहाँ पे हमने जन्म लिया वहाँ पर राजनीति करेंगे। दिल्ली में अगर राजनीति तो कुर्सी पे बैठना, दिल्ली तो कुर्सी पे बैठने के लिए राजनीति करने के लिए राजनीति मारे। ये बताओ 80 साल के बूढ़े मारे, 80 साल की मात्र क्या ये राजनीति करेगी? राजनीति करने वाले तो भाई दौड़ पोस नहीं आ रहे हुए हैं, मारे बर्गे राजनीति करने वाले नहीं है। भाई जब तक हमारी सच्चाई पे हमने नहीं जीत जंदे, जब तक मामिया पे यहाँ पे पद्मभूषण को सजा नहीं होंगे, जब लग हम ये सरकार से किसी तरह आश्वासन मिला क्या? कोई भी आश्वासन नहीं, सरकार तो गूंगी बैरी हो रही, उसने कुछ सुनाई नहीं देता। जब लग उसका का कोई मतदान नहीं, जो ये मैंने को मोदी मरचा है और ये अमित शाह मरचा, जब उसने सुनाई दे जाएगा। स्मृति ईरानी की क्या बात करे भाई, वो तो एक का करे, वो एक नाटक में काम करने आई थी, फिर उसका लग गया इतने इतने रुपया, वो क्यों बोलेगी? जिसका रुपये रोज के एक जोड़े बैग के रुपये जानते वो क्यों बोलेगी? लड़कियों को तो बेटी के समान मानती है, अपनी बेटी के समान। कुछ मानती नहीं भाई, इन्हें कोई मतलब नहीं, बेटा बेटी कोई मतलब नहीं, सिर्फ पैसा था मतलब और अपनी कुर्सी था मतलब, इन्हें कोई जमीन का जमीर मर रहा है भाई। या पूरे हरियाणा की शेरनी बेटी उठ लिया इतने भीतर तरी कपड़ तक ठोक के लिया, मैं तो उनको इसका पद्मभूषण का ढूंढ लगा, मैंने तो बरना का इसका ढूंढने गिर लिया, देखी जाओ कोई बड़ा कोई इसने सिर्फ मानस कितना ने सजा देगा। ये मोदी 20 ने दे लगा 30 ने दे लगा इसने भीतर तक खींच कर इसने सब इतना नोच जाएंगे। मम जिस तरह से क्या मांगे सरकार से, हमारी ये मांग है मामी, इसने सोचा भी फांसी की सजा हो, फांसी की नहीं सजा नहीं होती तो भाई जेल में तो घेर दियो इसने, और नहीं तो भैया एक आम आदमी नागरिक अगर किसी बेटी ने छूटेगा तो उसने जदे जेल में घेर देगा। यो के गणा बड़ा गुरका है, मैंने कहूँ योगी नुक वह है, बीजेपी सरकार है तो बिरज भूषण है, मैंने कहूँ बिरज भूषण जी तू तेरा अगर जमीर मर रहा है, तेरा जमीर जिंदा भी है या मर रहा है तो हमारी बेटिया दौरा पहुंच जाए और माफी मैं ले जेल में बीजे, तेरा अंत खत्म हो लिया तेरी, क्योंकि तेरे ऊपर 40 केस है, यो 41वां केस हो लिया आज, नहीं तो तना ओए यूपी में कहा तक कौन सा मर रहा था वो उसकी डाल तने भी नुए कोई इनकाउंटर करका मर देगा। जिस तरह से माफिया पे इनकाउंटर इनकाउंटर होता है और योगी जी का बुलडोजर चलता है तो भाई ये योगी योगी ये सारे गुंडे हैं, गुर्गे हैं ये सारे, इन्हें नुबे रहा भाई हो, ब्रजभूषण भी इनका एक गुर्गा है, ब्रजभूषण हटा दिया तो भाई तारी कुर्सी भी जाएगी, और ब्रजभूषण हटा दिया तो भाई इनकी कहानी खत्म हो जाएगी। मैं तो नुकू सीधी बात योगी तो तेरा भी अंत आ लिया है, क्योंकि तो नहीं साहब उल्टे फिर चला दिया यूपी में, और ये हरियाणा वाले जाग गए हैं, इन्हें बेरा है क्योंकि हरियाणा में तो मंत्री है ना कि मैं मानते नहीं, सही बता कमारा बा मैं तो कि मैं अंडे जाओ मानते इनके भाई जुते नहीं सम्मान जंतर मंत्र को आज मैं एक बार कैमरा मैन से कमाई साइड माना छावनी में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि आज जो हरियाणा की पंजाब की जो खापे थी उनकी एक कॉल थी कि 7 तारीख को हमने जंतर मंत्र पे जाके कोई बड़ा फैसला हम लेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा दिखा दे, ये पंजाब की जो जत्थेदारी है यहाँ पे आई हुई है और पंजाब की जत्थेदारी और भी आने लग रही है, हरियाणा की खापे यहाँ पर आने लग रही है, हरियाणा की खापे भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं दिखा सकता हूँ आपको फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आप जंतर मंत्र से देख रहे हैं, टोल है जहाँ से इनका आंदोलन चलता है, कोई भी छोटी मोटी उसको लेकर कोई भी आंदोलन होगा वहाँ का, ये वहीं से उस आंदोलन को शुरू करते हैं।